हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पंजाबी में मात्राएं स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लगा मात्रा। ठीक है, तो हमारे पास पंजाबी में बेटा 10 मात्राएं होती हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? वर्णमाला सीखी थी, राइट? तो आज हम उन वर्णमाला में जितने भी अक्षर थे उनको जो मात्राएं लगती हैं वो कौन कौन सी होती है वो अपने देखते हैं। तो आपको बताया था मैंने, तीन हमारे पास स्वर होते हैं, उड़ा, ऐड़ा, एड़ी, और बाकी सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे जो मात्राएं होती है वो कौन कौन सी होती है। हमारे पास कुल 10 मात्राएं होती है। कौन सी होती है? पहली होती है मुक्ता, दूसरी होती है कन्ना, सिहारी, बिहारी, अंकड़, बुलंकड़, लावा, दुलावा, होड़ा, कनोड़ा। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी मात्राएं होती हैं? 10 होती हैं। तो आज हम इसके बिहारी तक की मात्राएं करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी जो इसमें मात्राएं, देखो हमारी जो फर्स्ट मात्रा है मुक्ता। मुक्ता मतलब क्या होता है? कोई मात्रा नहीं होती। कहने का मतलब ये होता है कि सिंगल वर्ड आते हैं। ठीक है, मतलब उसके साथ में कोई डंडा नहीं होता, कोई मतलब छोटी की मात्रा कुछ नहीं होता। ठीक है, सिंपल होता है। तो देखो इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हा हा, लल्ला, हल, कग्गा, रारा, कर, बब्बा, लल्ला, बब्बा, बल्लब, मम्मा, टैंका, रारा, मटर, शशा, लल्ला, गग्गा, मम्मा, शलगम, ससा, रारा, कक्का, ससा, सरकस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कुछ वर्ड्स है। जैसे आपको इसमें फोटो भी दे रखी है तो आप देख के बता सकते हो। तो मुक्ता, ये हमारी मात्रा थी मुक्ता की। मुक्ता मतलब क्या होता है? कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, सिंगल सिंगल वर्ड आते हैं। आई थिंक आपको फर्स्ट मात्रा समझ में आ गई। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नीचे वाले जो है वो आपको खुद इनको क्या करना है? पढ़ के देखना है, और इसको अपनी नोटबुक पे भी राइट करना है आपको। ठीक है, ये हो सके तो ये इसके डायग्राम भी आपको बनानी है। ठीक है, जैसे भी आप कुछ एक बना लेना, सारी मत बनाना लेकिन कुछ एक बना लेना। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा सेकंड जो मात्रा है वो है हमारी कन्ना। ठीक है, कन्ना मतलब क्या होता है? आ की साउंड आती है इसमें। किसकी साउंड आती है? आ की। तो देखो ये कैसे लगता है, ये छोटा सा मतलब पूरा लाइन नहीं होती, ये आधी लाइन होती है। जैसे कक्का, कक्के नु कन्ना, रारा, कार। ठीक है, आगे आपका कग्गा, कग्गा, डाड़ा, डाड़े नु कन्ना, कड़ा, गग्गा, लल्ला, लल्ले नु कन्ना, ससा, ग्लास, आड़ा, इसको बोलते अपने ऐड़ा, नन्ना, नन्ने नु कन्ना, रारा, अनार। आगे ऐड़ा, कक्खा, कक्खे पर बिंदी, बब्बा, बब्बे नु कन्ना, रारा, अखबार, टैंका, मम्मा, मम्मे नु कन्ना, टैंका, रारा, टमाटर। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी मात्रा है? ये मात्रा है हमारे पास कन्ना दी मात्रा। ओके बेटा, उसके बाद अपने बात करते हैं, ये हमारे पास है आगे सिहारी दी मात्रा। सिहारी में क्या है? हमारी छोटी ए की मात्रा होती है। ठीक है, जैसे आपको दे रखी है, इसमें दिख ही रहा है आपको। तो इसमें क्या है आपका? एक ही साउंड आएगी। जैसे दद्दा, दद्दे नु सिहारी, लल्ला, दिल, ससा, ससे नु सिहारी, रारा, क्या है? सिर, मम्मा, मम्मे नु सिहारी, रारा, चचा, मिर्च, रारा, रारे नु सिहारी, कक्का, ससे नु कन्ना, रिक्शा। ठीक है, आगे कक्का, कक्के नु सिहारी, तत्ता, तत्ते नु कन्ना, बब्बा, किताब। ठीक है, आगे बब्बा, बब्बे नु सिहारी, जज्जा, डाड़ा, पिजड़ा। ठीक है, ये आई थिंक आलना है। ठीक है, उसको बोलते हैं। इस तरीके से ये नीचे के एग्जांपल्स हैं, ये आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक पे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मात्रा की। नेक्स्ट मात्रा हमारी है बिहारी की मात्रा। ठीक है, बिहारी मतलब क्या होती है? बड़ी ई होती है। जैसे ससा, ससे नु बिहारी, टैंका, टैंके नु बिहारी, सीटी। आगे दद्दा, दद्दे नु सिहारी, बावा, बावे नु कन्ना, दीवा, तत्ता, तत्ते नु सिहारी, तत्ता, फिर लल्ला, लल्ले नु बिहारी, क्या बन गया? तितली। ठीक है, छोटी मात्रा सिहारी और बड़ी मात्रा बिहारी। छच्छा, छच्छे नु छच्छा, तत्ता, रारा, रारे नु बिहारी, छतरी। ठीक है, ससा, ससे नु कन्ना, एड़ी, एड़ी नु बिहारी, कक्का, लल्ला, साइकिल। ठीक है, नीचे आपका आगे है ऐड़ा, लल्ला, मम्मे नु कन्ना, रारा, रारे नु बिहारी, अलमारी। ठीक है, ये हमारी मात्रा है बिहारी तक की। ठीक है, नीचे इसके एग्जांपल्स है, ये भी आपको राइट करने हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये आपको बिहारी तक की मात्राएं हैं वो आपको नोटबुक पे राइट करनी है। ओके, सो आज के लिए हम बिहारी तक की मात्रा ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।